तुम भले अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को राधे की विधवा कह लो, लेकिन सच्चाई यही है, लेकिन सच्चाई या तो तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, नहीं बनकर रहोगी, नहीं बनकर रहोगी, या फिर मेरी ही विधवा। अगर तुम्हें ये काली साड़ी पहननी तो ठीक है, जल्दी से मुझे मार दो, मेरी विधवा बनकर ये साड़ी पहन लेना। तुम मरोगे ठाकुर, लेकिन तुम्हारा अपना पागलपन ही तुम्हें मौत तक लेके जाएगा। हाँ मुरली, शायद यही मेरी सजा है। आज तक मैंने कई लोगों को बहुत सारा दर्द दिया है, अब मेरी बारी है दर्द सहने की। मैं जानती हूँ जब वो दर्द खत्म होगा तो मेरी जिंदगी को एक सुख मिलेगा। जानती हो वो सुख क्या है? यही कि तुम मेरी विधवा बनोगी और मैं ना सही, मेरा नाम तो तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा। तुम अब भी वही सोच रही हो? चंदना आप छोड़ो भी, ये तो होना ही था। उन्होंने अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी जो किया। हाँ, पता नहीं क्यों ये सब बहुत अजीब लग रहा है। हाँ, एक सेकंड। हेलो, ओके, मैं आ रहा हूं वहां पर। बाय चंदना, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। दीपेश, आज तुम फिर? चंदना, काम ही ऐसा है। ड्राइवर, गाड़ी रोको और मैडम को घर छोड़ देना। कार ज्यादा फास्ट मत चलाना, ओके? चंदना घर जाओ, मैं यहाँ से कुछ चला जाऊँ। बाय। दीपेश, दीपेश कम से कम आज की रात तो रुक जाओ, वो मैं थोड़ा सा परेशान थी इसी। चंदना, तुम्हें पता है ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे लिए इस तरह की एडजस्टमेंट्स पॉसिबल नहीं है। किस बिजनेस की बात कर रहे हो तुम दीपेश? ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा जो इतनी रात को शुरू होता है और दिन के निकलते ही खत्म हो जाता है? झूठ बोल रहे हो ना तुम, बहाने बना रहे हो काम के। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। चंदना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरी निजी जिंदगी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन शायद ये बातें तुम्हारी समझ से ही बाहर है। अरे जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे हक दिए हैं, चार लोगों के सामने, समाज के सामने तुम्हें अपनी बीवी माना है, लेकिन फिर भी तुम्हें चैन नहीं आता ना। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो चंद्रा, मैं कुछ अलग नहीं करने जा रहा हूं। अरे हर ठाकुर की घर से बाहर एक अपनी जिंदगी होती है और मैं वो ही जिंदगी जीने जा रहा हूं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम मुझसे कोई सवाल ना ही पूछो तो। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारे चाचू जैसी कोई हरकत नहीं कर रहा हूं, किसी पराई औरत के लिए तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं। चंद्रा, तुम आज भी मेरी बीवी हो और अगर आगे रहना चाहती हो तो अपनी जुबान पे ताला लगा के रखना होगा। चलो, बहुत देर हो चुकी है, तुम घर जाओ। और सुनो, अगर मैं सुबह तक घर ना आऊं तो मेरा इंतजार मत करना, जाके आराम करना, ओके? चलो। बड़ी मालकिन, ये चाबी? ये तो चंदना की चाबी है। ये लड़की भी ना, शादी हो गई है लेकिन अभी तक नहीं बदली। सुरेन, बहुत नाराज हूं तुझसे, अब आया है तू? सॉरी राज, मैंने बहुत कोशिश की टाइम पे आने की पर नहीं पहुंच पाया, फ्लाइट लेट थी ना। और रस्म कैसी थी? चंदना कहाँ है? रुकी है ना? वो तो फंक्शन बीच में ही छोड़कर चली गई, उसे कुछ काम था, बस जाते जाते ये चाबियां भूल गई है। मतलब वो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसे ही बुलकड़ है। अब देखो ना, इन चाबियों की वजह से वहां परेशान होगी और ससुराल वालों से ताने सुन रही होगी। अब कैसे ये चाबियां? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, मैं हूं ना, दीजिए चाबी, मैं लौटा दूंगा।
अरे लेकिन तू तो अभी अभी अमेरिका से आया है। तो क्या हो गया दादी, अपनी बहन को देखूंगा तो सारी थकान एक मिनट में दूर हो जाएगी। दीजिए। ठीक है जाओ, मगर जल्दी आ जाना। जी दादी। शंभू, सुरेन का सामान उसके कमरे में रख दो। जी मालिक। आप में दर्द बर्दाश्त करने की ताकत है दिग्विजय, लेकिन आपकी माँ बहुत कमजोर है। वो अपने बेटे को पल पल मरते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकती। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। ना हम आपकी मदद करते, ना आप अमोली से शादी कर पाते, और ना हम अपने बेटे को इस तरह से तड़पते हुए देखते। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। अरे ये तो दीपेश ही है ना, इस इलाके का ठाकुर। हाँ, लेकिन इसके ठाकुर होने का हमें कोई फायदा नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ भाई, ये तो यहाँ सिर्फ एक ही लड़की के लिए आता है ना। कौन सी लड़की? वही जो दीपेश के अलावा किसी को घास नहीं डालती। तुमने आने में आज बहुत देर कर दी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फोन आते ही मैं तो निकल गया था। सच मानो तो मेरा पूरा दिन इसी इंतजार में गुजर जाता है, कब तुमसे मिलूंगा, कब तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। झूठे? अपनी जिंदगी के साथ भी कोई झूठ बोलता है क्या? तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ।